आजम खान के घर छापेमारी के बाद फंस गए उनके समधी। आजम खान के बाद अब समधी हाजी रिजवान की फैक्ट्री में रेड। जीएसटी की टीम ने हाजी रिजवान की फैक्ट्री में की छापेमारी। सपा नेता आजम खान के घर करीब 3 दिनों तक आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अब जीएसटी विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। जीएसटी की टीम सोमवार को आजम खान के समधी हाजी रिजवान खान की एक्सपोर्ट फैक्ट्री में छापेमारी की। आपको बता दें, हाजी रिजवान खान आजम खान की बड़ी बेटी अदीब आजम की ससुर हैं। वो मुरादाबाद के नामी निर्यात फर्म यूनिवर्सल आर्क एक्सपोर्ट फर्म के मालिक हैं। फैक्ट्री कटघर कोतवाली इलाके के रामपुर रोड पर ग्राम भसैया में है, जहां 4 गाड़ियों में जीएसटी विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी के लिए पहुंची। आप पास एक नाम नहीं है आपकी प्रदीप, वरना हमें पता भी चल जाता कौन सा आप हैं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं। कितनी टीम आई है? एक ही टीम। अच्छा, मुरादाबाद से है या रीजन से? मुरादाबाद। कितने बजे से आए हुए हैं? अभी 1.5 घंटे से। अच्छा, 1.5 घंटे से। अच्छा, कुछ बकाया था क्या, कुछ सामने आया? भाई ये तो अधिकारी जाना, हम क्या जाना। जीएसटी और सेल टैक्स। हाँ, सेल टैक्स। कौन अधिकारी आए हैं? वो एसी साहब और वो डीसी साहब। क्या नाम है उनका? एक तरफ जहां लोग इसे आजम खान पर चल रही कार्रवाई से जोड़ रहे हैं, तो वहीं फैक्ट्री के मालिक रिजवान खान ने इसे रूटीन चेकिंग बताया। उन्होंने बताया कि ये रूटीन चेकिंग है, स्टॉक चेक करने जीएसटी की टीम आई है, आजम खान के मामले से कोई संबंध नहीं है। क्या मामला है? ये मामला कुछ नहीं है, ये जीएसटी सर्वे के लिए आते रहते हैं, अब 2-3 महीने में सिर्फ सर्वे करने आए, बुक्स देखने के लिए, जो कि ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जैसे आजम खान आपके समधी हैं तो उसको लेके कुछ ये आए? नहीं नहीं, उससे नहीं। तो पहले भी रूटीन होता रहता है? रूटीन होता रहता है, नॉन पॉलिटिकल लोग है भाई, एक्सपोर्टर्स है। किसी तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको लेके जो ईडी की अभी 2 दिन पहले छापा? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं बात उसके। वही आपको बता दें कि बीते दिनों आजम के घर समेत 26 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। करीब 60 घंटे से ज्यादा समय तक छापेमारी चली। इस दौरान आजम खान के घर और ठिकानों से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। इस छापेमारी में आजम खान के कई करीबी भी शामिल थे जिनके घर छापेमारी की गई थी। ऐसे में अब आजम खान के समधी हाजी रिजवान के यहाँ हुई जीएसटी की छापेमारी को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हाजी रिजवान ने भी सभी अटकलों को अफवाह बताया। पंजाब केसरी के लिए मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।